हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 11 से मल्टीप्लाई करने की शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि 54 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है दोस्तों, देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, ये दोनों डिजिट को जो है ना अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखिए 4 और यहाँ लिखिए 5। ठीक है, और ये दोनों डिजिट को जोड़ दीजिए आपस में। ठीक है दोस्तों, जितना आएगा उसको बीच में डाल देना। ठीक है, कितना आ गया हमारा 9, यहाँ लिख देंगे 9 जी। दोस्तों ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। ठीक है, 54 × 11 = 594। चलिए दूसरा देखते हैं क्या है कि 11 × 36। ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों, 3 को इधर लिख लेते हैं और 6 को इधर लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या करें, ये दोनों को जोड़ के लिख लेंगे। ठीक है, 3 + 6 = 9। चलिए यहाँ 9 लिख लेते हैं जी दोस्तों, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को करते हैं। क्या दिया हुआ है, 44 × 11। ठीक है ना दोस्तों, क्या करेंगे दोस्तों, 4 को इधर लिखिए और 4 को इधर लिखिए, और ये दोनों संख्या को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है ना, 4 × 4 = 8, यहाँ लिख दीजिए 8। ठीक है, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 18 को गुना करना है 11 से। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों 8 को इधर लिखिए, एक बार हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए। ठीक है ना, दूर दूर लिख लेते हैं और ये दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, कितना आ गया 9 जी। हाँ दोस्तों, ये है ना अनोखा ट्रिक, गजब का ट्रिक। चलिए दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉच, धन्यवाद।